एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते चलें कि मारूफ मॉडल फिल्म स्टार मशाल सरताज अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई हैं। ग्रह का कहना है कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कहां चली गई हैं। कानूनी सरह का कहना है कि उनके कमरे से ड्रग्स और गैर कानूनी असलहा भी मिला है। उनके परिस्तानों की जानिब से शदीद रद्द अमल देखने में आया है। समाजी तंजीमों की जानिब से भी इश्ताल अंगेजी सामने आई है। पीआर एजेंसी मशाल सरताज को तलाश कर रही है क्योंकि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करके बिना बताए गायब हो गई हैं। पीआर एजेंसी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो भी मशाल के बारे में इतला देगा उसको मुंह मांगी कीमत अदा की जाएगी। इन्वेस्टर्स का कहना है कि उनसे भारी रकम के बाद वो सेट पर नहीं पहुंच पाती जिसकी वजह से उनको करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। जैसे ही हमें मशाल के बारे में मजीद मालूमात मिलेंगी हम आपको आगाह करते चलेंगे। एक मरतबा फिर आपको बताते चलें कि मारूफ मॉडल फिल्म स्टार मशाल सरताज अचानक शोबिज इंडस्ट्री से गायब हो गई है। जरह का कहना है कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कहां चली गई है। जैसे ही मजीद मालूमात मिलेंगे हम आपको आगाह करते चलेंगे। तब तक देखते हैं इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का और उनके फैंस का क्या कहना है। और ये क्या पूछते हैं जनाब, बड़ा जुल्म है जी, बड़ा ही जुल्म है। आप देखें ना जी, हमारे तो सारे पैसे लेकर भाग गई ना। और जी हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया है, लेकिन सारे बंदे अब हम जैसे तो नहीं ना हो सकते। और जी हम ये कारोबार करते हैं, पैसा लगाते हैं फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए। और मैं कहता हूँ कि फायदे को छोड़ो गोली मारो, और प्रॉफिट को छोड़ो गोली मारो, पर अपने जो असल दर है वो तो वापस आने चाहिए। सेट खाली पड़े हैं, सारे प्रोजेक्ट पुठे हो गए, आ ही नहीं रही गैप है। अब हर बंदा हमसे पूछता है कि कहाँ गई जी, क्या बताएं जी कहाँ गई जी, कोई मार छार के सुट गया होगा कहीं। देखिए जी, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि कोई स्टेटमेंट दे सके, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि एसपी साहब इस सारे मामले की खास छानबीन कर रहे हैं। और मेरी मीडिया से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि काइंडली किसी किस्म की भी प्री मेच्योर स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें और बेजा सवालों से परहेज करें। आर्ट के लिए उनकी बेशुमार खदमात है। ये बहुत संगीन बात है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस अचानक गायब हो गई और किसी को पता नहीं कि वो कहां है। स्ट्रेट में लिए रहिए, मैं लिखूंगा इसके बारे में भी और बताऊंगा कि कौन है इसके पीछे। मैं ये दुआ करता हूं कि वो जहां भी हो खैरियत से हो और जल्द हम उन्हें अपने दरमियान पाए। क्या बोलूं, एक माँ बोल भी क्या सकती है। पिछले 5 साल से मैंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं है। बस एक सहारा था कि वो जिंदा है, अपनी दुनिया में खुश है। अब तो वो सहारा भी गया। She had it coming. उसे तो बहुत पहले ही अगवा हो जाना चाहिए था। Just look around. How many friends does she have in the industry? No one likes her. She does not have any friend at all. और वैसे भी किसी प्रोड्यूसर वगैरह ने उठवा लिया होगा। I am not surprised. हमारा मिसाल से कोई ताल्लुक नहीं। वो इंडस्ट्री में है या इंडस्ट्री से बाहर, वो अपने घर में है या घर से बाहर, वो जिंदा है या मर चुकी है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। इस मुल्क में औरतों का कोई तहफ्फुज़ नहीं। दिन दहाड़े एक औरत अगवा हो गई और इस बात का कोई नोटिस तक नहीं ले रहा। हम धरना देंगे, हम सड़कों में आएंगे, हम आवाज उठाएंगे। कहाँ गए वो सियासतदान जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे। मैं मिशाल का सबसे बड़ा फैन हूँ और रहूंगा। मशाल सरताज के बारे में इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के तासुरात आपने जाने। अभी अभी हमें पता चला है कि मशाल सरताज को वॉल सिटी के जाने जाते हुए देखा गया है। जैसे ही हमें मजीद मालूमात मिलेंगी हम आपको आगाह करते चलेंगे। एक्सेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही, हमारे साथ रहिएगा।
निकल पड़ी भाई। चला जा गले मिले, ओए गले मिले, ओए गले मिलना। ओए ओ तू क्या पुतासे जैसा मुंह बना के खड़ा है ओए? भाई तेरी तो निकल पड़ी, तेरे भाई ने तेरी नौकरी की बात पक्की कर ली है। ओए वो तुझे बताया था ना कि तेरे भाई के बड़े तलुकात हैं, 14,000 तनख्वाह, रिहाइश और सुबह दोपहर शाम की रोटी फ्री। ओए ओए ये क्या, वो फिल्म स्टार मशाल सरताज तेरे कार में? वो सारा शहर इसके पीछे पागल हुआ हुआ है और ये तेरे घर में रहती है? ओए मुबशर सदके जावे, ओए ओए क्या किस्मत पाई है ओए। अर्ज किया है जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई। दाद भी देना, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, 25, 26, 27, 28। मुदस्सर तू भी जा यहाँ से, तुझे मैं याकूब के कोठे पे मिलता हूँ, तू जा यहाँ से, जा मैं शाम को आऊंगा। आ जाना। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਓਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਹਾ ਜਿਗਰਮ ਬੈਠੋ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਜਨਾਬ ਆਪਕੀ ਯਾਦ ਮੇ ਤੋ ਚਾਹੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋ ਪਿਓ ਔਰ ਜਾਨ ਬੁਲਾਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। हा 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 हा, लो मैं आ गया हूं यकूब के खोखे पे, क्या बात करनी है? मुबशर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे समझाऊं। बचाऊं मैं? ओ भाई जी बड़ा हो गया हूं, समझता क्यों नहीं? और ये कोई ब्रैकेटों वाले सवाल है जो हम पांचवी में किया करते थे? बस वो ही थे जो मुबशर को जिंदगी में समझ नहीं आए, बाकी सब समझता हूं मैं। देख लफ्जों के दांत नहीं होते लेकिन काट लेते हैं, 2-3 चाय के कप पी के हम स्टार्ट लेते हैं। देख मुबशर ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू समझ रहा है। लो दसो क्या बात है फिर। चल यार मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है, लेकिन तू मुझसे एक वादा कर, तू इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेगा। ठीक है तू कहता है तो नहीं करूंगा, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। फिल्म स्टार मशाल सरताज के गायब होने की खबर पर और पूरा शहर क्या पूरा पाकिस्तान पागल हो गया है, ऊंचे सरू पे बैठ के बुलबुल ने की सदा। ऊंचे सरू पे बैठ के मैं चलता हूं यार, मुझे देर हो रही। तेरी तो निकल पड़ी भाई।
इतना कहाँ हो तुम? What's your problem? क्यों बुलाया मुझे? किधर है मिशाल? तुम्हें तो पता होगा ना? How do I know? मुझे क्या पता मिशाल कहाँ है? हो गई अपने किसी यार के साथ। मैंने तो पहले ही कहा था नजर रखो इस पे। बहुत पर निकल आया उसके। बकवास बंद करो। मिशाल मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। इतना सब कुछ तो दे रखा मैंने उसको। अच्छा तो ये बताओ वैलेंटाइन डे की सारी कमिटमेंट्स कैंसिल क्यों कर दी उसने और अगले दिन ही गायब हो गई। बॉस बड़ा टाइम गुजारा है मैंने इस इंडस्ट्री में। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज देखी है, पैसा कोई और लगाता है और भाग किसी और के साथ जाती है। बकवास बंद करो, जब तक वो नहीं मिलती तुम यही रहोगी। What? वालेकुम अस्सलाम। कुछ खबर मिली यानी कि या अल्लाह ये तेरा कैसा इम्तिहान है, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी यानी। यानी मिसाल नाम है उसका, मिसाल पूरी दुनिया में इसी नाम से जानी जाती है। मर चुकी है हमारे लिए, जिसने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला दिया उसके लिए हम क्यों परेशान होने लगे। सलमा बेगम हम गरीब हैं मगर इज्जतदार हैं। जब भी बाजारों से गुजरता हूं उसके बेहयाई भरे फिल्मी पोस्टर देखकर खून खौलने लगता है मेरा। वहां रुकना तो दरकिनार, मैं नजर उठा के देख भी नहीं सकता। यानी जो कुछ भी है तो हमारा खून नहीं है। हमारा खून वो नफरत है मुझे उससे और उसके बारे में की जाने वाली हर बात से, और घिन आती है मुझे अपने आप से ये सोच कर कि मैं उसका बाप हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ने एक ही औलाद दी है और वो भी इतनी जल्दी छीन ली। ये तुम जिसके लिए पागल हुई जा रही हो, जब से वो यहां से गई है मेरी बात छोड़ो, उसने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उसकी मां किस हाल में है? पर 5 साल हो गए उसे इस घर से गए हुए और इन 5 सालों में मैं एक रात भी चैन से सो नहीं पाया।
तुम्हारी इतनी जुरत कि तुमने मिशाल के इतने कीमती ड्रेसेस पहन लिए? तो और क्या करती इस घर में बैठे बैठे? और वैसे भी तुम्हारे इंतजार ने तो आधा मार ही दिया है मुझे। रुकना जरा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूं। Thank you.
का क्या बचाएगा? हम यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि मुआवजा लिया इसने हमसे। बेच डाला तेरे प्यार को और तेरे जज्बात को भी। My head. Everything I had was yours. सब कुछ तुम्हारा ही तो था। ये साला हमसे भी ज्यादा कमीना निकला। तू 10 बार भी पैदा हो गया है तो इतने पैसे नहीं कमा सकती जितने इसने हमसे तेरी कीमत वसूल की है। Yeah.